नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। बाबा का बुलडोजर तो देश विदेश में फेमस है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सोमवार को अलीगढ़ में मस्जिद को लेकर 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अवैध रूप से बनी मस्जिद को गिराने के लिए यूपी सरकार का बुलडोजर पहुंचा तो सपा के पूर्व विधायक सामने खड़े हो गए और विधायक के साथ ही विशेष समुदाय के लोग हंगामा करने लगे। आपको बता दें कि ये वही विधायक हैं जिन्होंने कहा था कि घर घर में मदरसा होगा। विधायक जी ने तो मस्जिद को बचाने के लिए 10 लाख रुपए तक दे दिए। रुपए मिलने के बाद जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले शख्स ने समझौता कर दिया। इसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ वापस चली गई। पूर्व विधायक की माने तो मुख्यमंत्री के आदेश पर एसडीएम मस्जिद तोड़ने आए थे, लेकिन आदेश को पूरा नहीं कर पाए। मेरा मकसद मस्जिद को बचाना था, जो कि पूरा हो गया। आपको बताते चले कि पूरा मामला रोरावर थाना क्षेत्र के शाहपुर कुतुब मस्जिद का है। यहां पर गाटा संख्या 3082 पर 2 लोग अपना मालिकाना हक जता रहे थे। एक पक्ष हिंदू है तो दूसरा पक्ष मुस्लिम। दोनों पक्षों को एक ही व्यक्ति ने यह जमीन बेची थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर मस्जिद बनवाया। दूसरा पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट चला गया और कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही प्रशासन को मस्जिद तोड़कर जमीन का मालिकाना हक दिलाने को भी कहा। इसके बाद क्या था, सोमवार को एसडीएम बुलडोजर लेकर मस्जिद तोड़ने पहुंच गए। इसके बाद वहां के मुस्लिम लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मामले की जानकारी जब पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह को हुई तो वो भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की। इसके बाद जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले दीपक कुमार को जमीन की कीमत 10 लाख रुपए देकर सौदा कर लिया। इसके बाद मामला शांत हुआ और प्रशासन का बुलडोजर वापस लौट गया। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।